नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल धीरज और मैं सीसी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास नाइन्थ, अब एक क्लास टेंथ है। क्लास टेंथ एक्सरसाइज 12, ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए कैसे, जैसे अगर कोई एक वृत्त बना है तो क्षेत्रफल मतलब होता है ये वाला जो बीच वाला पार्ट होता है, जैसे आयत होता है तो उसका क्षेत्रफल ये बीच वाला होता है। इसी प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। फिर वृत्त की परिधि होता है, परिधि मीन्स होता है जिससे इसमें परिमाप होता है, चारों तरफ अगर कुछ लगाना है तो उसे परिमाप कहते हैं। और वृत्त में अगर चारों तरफ लगाना है यानी इस पर अगर कोई तार वार लगाना है तो इसे परिधि कहते हैं, यानी परिधि की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बोलते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी देखिए ये है हमारा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। अगर बाई दावे मान लेते ये 180 अंश से काट दिया जाए, अब इसका क्षेत्रफल यानी ऊपर वाला पूछ दिया जाए, तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये आधा है, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा बराबर 360। और वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जितना आ जाए, अब कोण समझिए थीटा 180 अंश बटे 360। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो ये आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का आधा। तो मेन पॉइंट ये है, जितना कोण दिया हो, जैसे अगर हमारा त्रिज्य खंड यहाँ पर 60 अंश दिया है, देखिए इसमें तीन हो रहे लगभग, ये कुछ मान लीजिए अब 60 दिया है तो हम ऊपर लिख देंगे 60 अंश बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब इसका मतलब समझिए 1/6 हो रहा है। देखिए इसके 6 भाग होंगे, 60 60 60, तीन ये हो गया, तीन ऊपर हो जाएंगे। अब ये हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 6। यानी मेन सूत्र हमारा होता है, अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्र निकालना है तो थीटा 360 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। देखते हैं कुछ नेक्स्ट सूत्रों के परिचय देते हैं। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। यानी त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, आधार गुणे ऊंचाई। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और होता है जो हीरोन का सूत्र होता है, वो अच्छे से समझिए, वो चाहे जैसा त्रिभुज उसमें लग जाता है। अगर हमको ऊंचाई ना भी पता हो, यानी तीनों भुजाओं का योग पता हो या तीनों भुजाएं पता हो, तो सूत्र होता है यस माइनस ए यस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पर समझिए यस क्या है, यस होता है परिमाप का आधा, यानी अगर टोटल परिमाप है 30 आ गया मान लो, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार से आप इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। अब बात करते हैं आगे पॉइंट पर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है क्या है, जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, इक्विलेटरल हो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जिसकी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब वर्ग होता है क्या है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वो क्या होता है वर्ग, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, देखिए अगर इसकी भुजा ए है और ए, तो इसका जब हम विकर्ण निकालेंगे तो ये हमारा कर्ण है, तो कर्ण क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर यानी ये प्लस आधार स्क्वायर। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे पर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब रूट लगा है तो देखिए अच्छे से समझिए, 2 × a × a, जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर हो जाएगा, तो a√2। यानी वर्ग का विकर्ण आ जाता है, a क्या है भुजा, यानी भुजा √2, आप इस प्रकार से डायरेक्ट लिख सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसे हमारा मान लेते हैं ये आयत है, इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब क्या करेंगे, अगर आयत का परिमाप निकालना है, परिमाप होता है जिसके चारों तरफ की माप, तो अगर इसमें लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, अगर दोनों को जोड़ दें तो हमारा परिमाप आ सकता है, लेकिन देखिए कैसे, 10 और 5 15, ये 15 मीटर तार तो लगेगा नहीं, 15 इधर भी लगेगा, यानी 2 से गुणा हो जाती है। आयत का विकर्ण समझिए, इससे अगर इसकी लंबाई एल है और चौड़ाई यानी ब्रीथ, तो इसकी अगर विकर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, फिर स्क्वायर हटा लेंगे तो क्या लग जाएगा, रूट, क्या लग जाएगा रूट, यानी ये लंबाई ये चौड़ाई, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से आप सूत्रों का अच्छे से देख लेना,
क्लास टेंथ एक्सरसाइज 12 द एंड। अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें। लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।